वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले पहले टी20 मुकाबले के लिए घोषित हुई टीम इंडिया की प्लेइंग 11 केएल राहुल हुए बाहर, तो वहीं दिग्गज स्पिन गेंदबाज की हुई वापसी। जानेंगे पूरी खबर, चैनल को सब्सक्राइब करें क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार जीत हासिल करने के बाद 5 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। आपको बता दें, भारत और वेस्टइंडीज के बीच में पहला T20 मुकाबला 29 जुलाई को खेला जाना है, जो कि रात 8 बजे शुरू होगा। अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम में सभी सीनियर खिलाड़ियों की वापसी होगी। रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा जैसे सभी खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। इन खिलाड़ियों को वनडे सीरीज के लिए आराम दिया गया था। आपको बता दें, रविचंद्रन अश्विन भी एक लंबे वक्त के बाद T20 टीम में वापसी करने वाले हैं। दूसरी तरफ केएल राहुल T20 सीरीज का भी हिस्सा नहीं होंगे, वो पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं। अगर हम पहले T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह को मौका मिल सकता है। आपके हिसाब से टीम इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।